ओ हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और ये देखो, ये हैं सारे मेरे बैग्स। नेहा जो है निकाल रही हैं कान का, और कुछ बैग्स दीप ले जाके रखे हैं नीचे। अभी दीप गए हैं नीचे और हम लोग अब निकल रहे हैं 12:30 बजे। चलो मैं फटाक से लाइट्स ऑफ कर देती हूँ सारे रूम की और फिर हम निकलते हैं। ये देखो मैंने क्या पहना हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे दी ऐसा ड्रेस पहन के जा रही हैं, तो रात का टाइम है, गांव में सब लोग सो गए होंगे, जाके हम भी आराम से लेट जाएंगे। लोअर थोड़ा सा आराम रहता है एंड लूज टी शर्ट है। अब हम लोगों को पहुँचते पहुँचते 4, 4:30 या 5 बज जाएगा, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, सब सो ही रहे होंगे। तो बस ये है दीप का बैग, बाकी जो घर वाला सामान है उसको दीप लेके जा चुके हैं। और मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ और थोड़ा धीरे भी बोल रही हूँ। जल्दी 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 यानी स्पीड में, और धीरे मतलब स्लो। ये देखो बाहर एकदम अंधेरा हो गया है, सब लोग सो गए हैं ऑब्वियसली, यार रात के 12 बजे कोई थोड़ी जागेगा। तो मैं यहाँ पर सब कुछ चेक करने आई हूँ कि सब कुछ बंद है कि नहीं। यहाँ पर सब बंद है, अब चलो चलते हैं घर। अब हम आपसे मिलते हैं कल। ट्राईपॉड अपना ले लूँ, नहीं तो अगली बार मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी थी बिना ट्राईपॉड। आप लोग बोलती हो दी आप कौन सा ट्राईपॉड यूज़ करती हो, तो मैं यूज़ करती हूँ, एक मिनट बता देती हूँ। ये देखिए ये है अमेजोन का, तो मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ। सो बस, अरे हाँ एक चीज़ रखना भूल गई नेहा बेटा, सीरम नहीं रखा ना आपने? हेयर सीरम, हेयर सीरम फटाक से रख लो नहीं तो भूल जाएगा। इसके बाद बाकी फेस वॉश वगैरह रखा इसमें रख लेना, आपके पर्स में रख लेना। हाँ हाँ पर्स में रख लो। अरे यार मेरा मंगलसूत्र रखो, नहीं तो मैं क्या पहनूंगी? अभी मैं चैन पहनी हूँ, रात का टाइम है इसलिए ईयरफोन भी मैं मेरी पर्स में रख ले रही हूँ। और बाकी ये तो सनस्क्रीन है, तो सॉरी वो सीरम है, सीरम मैंने रखा ही है। मैंने आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर दिया कि मैंने कौन कौन सा सामान रखा हुआ है, लेके जा रही हूँ कौन कौन सा। हम चलो 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 4 दिन के लिए सारे सामान ठीक ही है। तो बस अब हम आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद, तब तक के लिए बाय। सो गाइज, अभी हम लोग निकल रहे हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं। देखिए चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, ठंडी का सीजन है तो सब लोग सो गए हैं, गर्मी होता तो एक दो जन जग रहे होते हैं। तो चलो अभी मैं आप लोगों से कुछ टाइम बाद मिलती हूँ। गाइज अभी हम लोग रुके हैं, ये देखो कहाँ, एक पेट्रोल पंप पे डीजल फिल कराने, और रात के बज रहे हैं 1 या उससे ज्यादा ही हो रहा होगा, 1:30 हो रहा है ना। हाँ तो इतना टाइम हो रहा है, सो 1:30 बज रहे हैं और सब पूरी पलटन हमारे यहाँ जा रही है। देखो आज मैं और नेहा सेम सेम हुए हैं, मेरा मेरा बच्चा ये भी जगला है, मेरा क्यूटू बाबू सबको लव यू बोल दो। पापा ने बाइल छीन ली, इनको बाइल चाहिए, बताओ इतनी रात को ये बाइल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो इसलिए दीप ने ले लिया। चलो मैंने सोचा कि जब रुके हैं तो थोड़ा देर आप लोगों से बात कर लेते हैं, अजीब सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने आप लोगों से बात कर ली। अब चलो वहीं चलकर मिलते हैं। तो अब मैंने लगा लिया ईयरफोन, अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने, क्योंकि अगर एडिटिंग नहीं करूँगी ना तो कल ब्लॉग पब्लिश नहीं कर पाऊंगी। आप लोग अभी डेली वेट करते हो मेरे ब्लॉग का, तो मैं चल रही हूँ एडिटिंग करने, अब आप लोगों से कुछ देर बाद बात करूंगी। तो गाइज मैं सो गई थी कुछ टाइम के लिए, तो भाई का जो मन कर रहा था वही सॉन्ग चला रहा था और काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा है। कई लोग पूछते हैं कि आपका भाई आपके साथ में ही रहता है, तो ऐसी बात नहीं, इसकी ट्रेनिंग चल रही है, लखनऊ में ही ट्रेनिंग थी, तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास ही आ जाओ, इसीलिए मेरे पास में रह रहे हैं। मैं अभी आपको सुनाती कौन सा गाना चल रहा है, और मैं जग गई, नेहा ने जगा दिया मुझे। नहीं।
गाइस नेहा ने हमें यहीं पर जगाया था। हम लोग पहुंच गए हैं जगदीशपुर और हम यहीं पर चाय पीते हैं। सबको नींद आ रही थी, मान लो मैं तो सो ही रही थी फीवर की वजह से। भाई को भी नींद आने लगी तो उसने कार रोक दी और वो देखो खड़ा है भाई, तो यहाँ पर चाय बोला बनने के लिए। इसके बाद सब चाय पी के फिर चलते हैं। इस ढाबे का नाम है हिंद ढाबा। हम लोग जब भी सुल्तानपुर जाते हैं ना तो चाय पी के ज़रूर जाते हैं, या फिर सुल्तानपुर से लखनऊ जाते हैं तो इन्हीं के यहाँ चाय पीते हैं। सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बीच बीच में हम लोगों को रुकना पड़ता है, और अगर रात का सफ़र हो तो रुक के सीधी सी बात है चाय तो पीनी बनती ही है। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। देखिए जरा कितना प्यारा लग रहा है। दीप कब से सो रहे हैं, मैं तो थोड़ी देर के लिए जग गई थी, बट हाँ फीवर इतना तगड़ा है कि आईज मेरी क्लोज हो जा रही है। हाँ एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैंने बाबू के बर्थडे के दिन जो गिव अवे ऑर्गेनाइज़ किया था उसका विनर 2 दिन बाद आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी आप लोग ना प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हुई है, प्लस कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए, और प्लीज़ मेल मत कीजिए क्योंकि मेल काफ़ी सारे स्पैम में जा रहे हैं तो मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ कितने सारे स्पैम मैं जाके क्लीन करूँ। इसलिए आप लोग ना मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के थ्रू देख लूँगी और आप लोगों को प्रोडक्ट 2 दिन बाद भेज दूंगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या चाहिए। आप लोग बताइए व्यू कहाँ का है। गॉड कोहरा, इतना ज्यादा कोहरा पड़ा था, मैं तो सो रही थी मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अभी देख रही हूँ एडिटिंग हो एमजी। ओ माई गॉड गाइज, गुड मॉर्निंग है। देखो हम कहाँ पहुँच गए, ससुराल ना पहुँच के हम लोग कहाँ आ गए। सबकी मिली भगत थी, भाई की, दीप की, सबकी, एक हमें ही नहीं पता था हमने इतनी सारी पैकिंग कर ली और कैसे करके आए हैं। आपने देखा, मतलब घर जाना होता है, जब ससुराल जाना होता है ना तो ऐसी ही मेरी पूरी कार फुल रहती है। कैसे बैठ के आए आप लोगों ने देखा, दीप का क्या हो तो आराम से सो गए, बता दिए होते तो हम कपड़े उपड़े कम ही लेके आते ना, बट इतनी मेहनत भी मुझे करा दी है तो कोई अच्छी बात नहीं है। चल बताते हैं कि हम लोग कहाँ आए हैं थोड़ी देर बाद। बाहर का व्यू अच्छा लग रहा है ना, हमने ही रिकॉर्ड किया हुआ है। अब गैस लगा के बताइए आप लोग कि हम कहाँ हैं। जब तक हम नहीं बताते हैं तब तक आप लोग बताइए कि हम कहाँ हैं। कुछ कुछ हिंट आपको दे दे रहे हैं, देखिए बाहर दिख रहा है तो देखते हैं कौन कौन बता लेता है। ये देखो हमारे साथ में कौन है, मेरा भाई राहुल, यानी यूपी ब्लॉगर आराध्या का पति देव। तो हम लोग इन्हीं के पास में आए हैं, हमें यहाँ के बारे में कुछ आइडिया नहीं था तो भाई यहाँ पर होटल में रूम दिला रहा है कौन सा होटल सही है, तो भाई सब कुछ बता रहा है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। फीवर मुझे इतना तगड़ा हुआ है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है और ना तो बैठ पा रही हूँ ना तो कुछ। देखो भाई से बोल रही हूँ, देखो कितना तगड़ा फीवर है। सो गाइस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम कहाँ आ गए हैं देखिए, अभी कुछ देर में आपको बताते हैं। तो निकले थे हम घर जाने के लिए, निभा के चले आए कहाँ, मेरे भाई है, मैं हूँ, मेरी बेटी आरानी, हम लोग आ गए हैं कहीं घूमने, अभी बताएंगे नहीं। सड़क मैं सो रही थी, जग रही हूँ तो कार में कहीं दूसरी जगह अपने आप को मैंने पाया। यहाँ पर रिकॉर्डिंग सारी नेहा ने की हुई थी, रात में ही नेहा ने मोबाइल ले लिया था और उसमें मैं ज़्यादा नहीं सो रही हूँ, मैं वहाँ तक जगी थी, सुल्तानपुर तक जगी थी। उसके बाद फिर मेरी आईज़ क्लोज हो गई, फिर इसके बाद फीवर है मुझे काफ़ी तगड़ा फीवर है तो आईज़ मेरी ऐसे क्लोज ही थी, नींद नहीं थी, मतलब सोए नहीं थे बट आई क्लोज थी मेरी फीवर की वजह से। चलो सस्पेंस ख़त्म करते हैं, बताते हैं हम लोग आ गए हैं प्रयागराज। यहाँ पर काफ़ी कुछ है, भाई ने प्लान किया था,
भाई और दीप का प्लान था कि बाबू के बर्थडे से पहले यहाँ पर कोई मंदिर है वहाँ जाके दर्शन करना है। भैया को देखो बदमाशी, मेरी बिंदी उन्दी सब गिर गई है। रात में हम लोग 12:30 बजे निकले थे, अभी पहुँच रहे हैं 7 बजे और रूम में चेक इन करते करते 1-1.5 घंटे का प्रोसेस था यहाँ पे, तो 8:30 बज रहा है। अब जा रहे हैं सोने, 1-1.5 घंटे सोएंगे, इसके बाद उठेंगे, फिर नहाएंगे, फिर इस ब्लॉग का एंड करेंगे। अब देखते हैं कभी कब एंड करते हैं। मुझे इतना तगड़ा फीवर हुआ था कि जैसे ही मुझे बिस्तर मिला मैं लेट के सो गई और भाई की शरारत देखो आप, उसने मेरी पिक्चर क्लिक कर ली। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, देख लो आप लोग मेरा भाई कितना ज़्यादा शरारती है। सो गाइस, अभी 12:30 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ 8:30 बजे आए थे, इसके बाद सो गए थे, तबीयत नहीं ठीक थी जैसा कि मैंने बताया था, फीवर हुआ है जस्ट अभी मैं उठ रही हूँ 1/2 घंटा पहले और नहा के आ रही हूँ। वो है मेरा भाई, ये दोनों भाई मेरे आ गए हैं। हाय करो मोहित, राहुल हाय, राहुल मोहित नेहा भी सो रही है, बाबू भी सो रहा है एंड दीप शुभम भाई भी अभी सो रहा है, क्योंकि कल रात हम लोग पूरी रात चले हैं, जस्ट हम उठ के रेडी हुए हैं कि जाना है हम लोगों को कहीं। बट आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, सो आज के ब्लॉग का इंड मैं करती हूँ यहीं पर। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। हम कहीं जा रहे हैं, भाई लोग कहीं लिवा के जा रहे हैं, तो कल का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो वेट करना मेरे कल के ब्लॉग का। आज के लिए बस इतना, बाय बाय, सी यू सून गाइस।